आज आज एक और न्यू के साथ मैं मैं आ चुका हूं। और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा हाँ तो ओर्ले तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लोगों ने क्लिप को इंपोर्ट कर लेना है और आज की वीडियो बिल्कुल सिंपल होगी शॉर्ट सर ट्यूटोरियल हो तो जब आप लोगों ने वीडियो क्लिप इंपोर्ट कर लिया देन आप लोगों ने क्लिप्स को डिवाइड करना है यानी सेपरेट करना है जीधर से जिधा तक आपको पार्ट चाहिए यानी जिस पार्ट में आप लोगों को इफेक्ट लगाना है उस पार्ट को अलग कर देना है ये आप जैसे कि अब ये एक फ्रेम का जो पार्ट है ये मुझे अब ज़रा अच्छा लग रहा है इसके ऊपर और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं इनके ऊपर जो इफेक्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आपके पास अगर जितने अच्छे क्लिप्स होंगे मेरा मतलब ग्राफिक्स है जितने अच्छे ग्राफिक्स के क्लिप होंगे उनके ऊपर जब आप ये इफ़ेक्ट्स लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा आपको तो सबसे पहले आप लोगों ने जब क्लिप को ले लिया देन उसको डुप्लिकेट कर देना है देन सर्कल आप लोगों ने ऐड करना है उसके ऊपर उसका रंग ग्रीन कर लेना है देन उसका जो साइज़ है वो मिड में करके आप लोगों ने बड़ा कर देना है जितना आप लोगों का स्कोप इफेक्ट है स्कोप के अंदर जितना नज़र आ रहा है उतना कर लेना है आप लोगों ने उसको पहले जब ये ऐसे हो जाएगा तो फिर ब्लेंड ऑप्शन में मास्क और देन मास्क ठीक है ये जब हो जाएगा उसके बाद आपने इसको बिल्कुल क्लिप के साथ अटैच करना है यानी जितना क्लिप है आपका उतने ही ए, फ्रेम्स तक इसको रखना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप लोगों ने रिमूव कर देना है ठीक है तो ये हमने रिमूव कर दिया देन आप लोगों ने ये करना है कि अपर लेयर जो सर्कल वन है और जो लोअर लेयर है इसी क्लिप के पार्ट में वो हम लोगों ने सेलेक्ट करनी है एंड ग्रुप बना देना उसको ठीक है जब हम लोगों ने ग्रुप बना लिया तो ये कुछ इस तरह से बन गया तो अब हम लोगों ने जाना है ग्रुप वन में जो हम लोगों ने मास्क वाला लास्क लिया था उसमें अभी हमने कुछ नहीं करना फिलहाल हमने जाना है लोअर लेयर में उसका हमने साइज को कर देना है बड़ा क्योंकि जब इफेक्ट आएगा तो स्क्रीन जब फुल होगी तो उसके बाद अंदर अंडर वाली लेयर जो होगी वो ज़रा अच्छा इफेक्ट प्रोवाइड करेगी आप लोगों को तो सबसे पहले हम लोगों ने स्क्रीन को इस तरह बड़ा कर लेना है और इस टाइप के जो आ, क्लिप है ना उस पर फोर एक्स स्कोप के साथ जो क्लिप्स यूज़ किए होंगे उनके साथ ये वाला इफेक्ट बहुत अच्छा लगेगा तो देन जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों ने ग्रुप वाले हिस्से में आ जाना है ग्रुप वाले क्लिप में आना है और इसी तरह आप लोगों ने इसके साइज़ का बना देना है देन एक की फ्रेम ऐड करना है आप लोगों ने इसके साथ जब ये साइज आपको लगे बिल्कुल परफेक्ट है उसके साथ एक, एक की फ्रेम स्टार्टिंग में एक की फ्रेम एंडिंग में ठीक है और दूसरा जो दमियान वाला पार्ट होगा जो एटी परसेंट में आप लोगों ने की फ्रेम को रखना है उसको बिल्कुल छोटा कर देना है ताकि जब इफेक्ट आए तो एक मज़े का स्मूथ अफेक्ट आपको नजर आए ठीक है उसके बाद जब इस तरह से आपके पास ये असर आ जाए यानी इस तरह का इफेक्ट आ जाए देन आप लोगों ने ग्राफ को चेंज कर लेना जिस तरह मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम इसी तरह कर लेना और अगर आपको ज़्यादा अच्छा ग्राफ के बारे में पता है तो ये आप लोग खुद ही से भी कर सकते हैं मुझे जितना आता है मैंने उस हिसाब से किया था और अच्छा इफेक्ट आया था देन आप लोगों ने इफेक्ट्स में चले जाना है इफेक्ट्स में मोशन ब्लर सर्च करना है और उसको ला के इधर डाल देना है अब ये मोशन ब्लर का जो ट्यून वाला ऑप्शन है ये आपके क्लिप के ऊपर डिपेंड करता है जितना आपके क्लिप के ऊपर अच्छा लग रहा है उतनी वैल्यू आप लोगों ने रख लेनी है ठीक है मेरे क्लिप के ऊपर जीरो पॉइंट एट ज़ीरो अच्छी लग रही थी तो इसलिए मैंने वो क्लिप की वैल्यू रख ली ट्यून टी यू एन ई और जो नीचे दो आ, दो ऑप्शन होंगे उन दोनों को आप लोगों ने ऑन कर लेना है ठीक है जब इस तरह से हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों ने एक दो दफा प्रीव्यू करके चेक कर लेना कि किस तरह से हमारा इफेक्ट नज़र आ रहा है देंगे आप लोगों के पास अफेक्ट नज़र आ रहा है तो हम इसको अभी थोड़ा सा सेट करेंगे अच्छा अब जब यहाँ पे हम लोग आए तो इस तरह डायरेक्ट जब आ, इसको बड़ा हो गया तो उसके लिए हमने पिछली लेयर में जाना है थोड़ा सा और उसमें हम लोगों ने जा के कर लेना है इसको पहले तो हम लोगों ने बराबर कर देना क्योंकि ये बराबर नहीं है बिल्कुल भी तो इसके लिए हम ये एक चीज़ कर सकते हैं जो सबसे फर्स्ट लेयर वाली होगी उसको ज़रा हमने क्लिप को क्रॉप कर लेना है यानी कट कर लेना है कट करके उसके अंदर जाना है एंड की फ्रेम लगाना है स्टार्टिंग में और एंडिंग में जाके एक की फ्रेम लगा के उसके साइज़ को बड़ा कर लेना है ठीक है उतना बड़ा करना है जितना आप लोगों ने अपने मेन क्लिप में बड़ा करके रखा हुआ है तो उस हिसाब से इसमें भी मोशन ब्लर को लगा देना है और जितना आप लोगों को अच्छा लगे उतना आप लोग डाल सकते हैं इसमें ठीक है तो इसमें भी ज़ीरो पॉइंट सेवन जीरो के करीब मैंने रख लिया और पोजीशन और स्केल को आप लोगों ने ऑन रख लेना है ताकि उससे ब्लर अफेक्ट आ जाए अच्छा सा तो ये आप लोगों का क्लिप रेडी हो गया ठीक है इस तरह से क्लिप आपके पास आ जाएगा और अगर आप इसमें कुछ और भी चेंजेस करना चाहें तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ये शॉर्ट वाला क्लिप जो है इसको मैं अभी कट कर दिया यानी इसको हमने गाइप कर दिया ताकि एक आ... जूम इन से आउट की तरफ अच्छा सा इफेक्ट आ सके आपकी अपनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आप किस तरह का पार्ट बनाना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप लोग करके अपने मोटिजेज़ और एडिटिंग क्लिप्स को अच्छा बना सकते हैं ठीक है तो बस आज की वीडियो में इतना ही और अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो आप खुद ही से कर सकते हैं ये सिंपल है और अगर आज की वीडियो समझ नहीं आई तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ट्रिपल स्कोप परफेक्ट की वीडियो रहती है और थ्री डी इस्को परफेक्ट की भी वीडियो रहती है तो उसमें ये सब चीज़ें आपको डिटेल में समझ आ जाएंगी ठीक है तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का ट्यूटोरियल भी पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक करना और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में या वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखना अल्लाह हाफिज। सिंपली इसका नेम चेंज कर लेना है आप लोगों ने और इसको एक्सपोर्ट के लिए लगा देना है